नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्षा के इस प्रेरणादायक उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए हम सब लोग इनका धन्यवाद करते हैं और हम लोगों को पूरी आशा है कि इस नव संकल्प शिविर से ही हम लोगों का आगे का रास्ता शुरू होगा। मैं अब आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने अपने सब्जेक्ट मैटर के रूम्स में आप सबके सब लोग प्रस्थान करें और वहां पर हम लोगों का चिंतन अब शुरू होगा। धन्यवाद। केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह दोतासरा जी कांग्रेस अध्यक्षा का और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का दोनों का स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह दोतासरा जी को कि यहां पर आएं और सब लोगों का स्वागत करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल साहब, अजय माकन जी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ आदरणीय नेतागण, सबसे पहले मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, प्रदेश के जन जन की ओर से, प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी का, हमारे नेता राहुल गांधी जी का और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने पहले मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई हटाओ की जो रैली, राष्ट्रीय रैली थी, उसकी मेजबानी का मौका दिया। आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। हम सबका सौभाग्य है कि राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये नव संकल्प शिविर आयोजन करने की अनुमति देकर के हमें अनुग्रहित किया है। मैं इनके लिए, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और तमाम कांग्रेस आला कमान का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझती हूं इससे आवश्यक और कुछ नहीं। तो साथियों, मैं आप सब से आग्रह करती हूं कि अपने विचार खोल कर रखें, मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। यह निश्चय बरकरार रखना होगा। हाल में मिली नाकामयाबियों से हम बेखबर नहीं हैं।
ना ही हम बेखबर है उस संघर्ष से या उस संघर्ष की कठिनाइयों से जिसे हमें करना है और जीतना है। लोगों की हमसे जो उम्मीदें हैं उनसे हम अनजान नहीं हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यह प्रण लेने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को फिर से उसी भूमिका मिलाएंगे जो भूमिका पार्टी ने सदैव निभाई है और जिस भूमिका की उम्मीद इन बिगड़ते हुए हालातों में देश की जनता हमसे करती है। हम यहाँ पूरी विनम्रता के साथ आत्मा निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम तय करें कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर निकलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कुछ नहीं करते हैं, कभी गुजरात मॉडल की बात कर लेते हैं या आरएसएस और बीजेपी के जो फांसी तत्व हैं इनका काम यही है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हूँ। मैं मुबारक मौके पर सोनिया जी का, राहुल जी का, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तीन दिन तक गहराई के साथ में, काफ़ी टाइम दिया गया डिस्कशन का, हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो फैसले होंगे वो हम सब के लिए एक नए संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाएंगे, तमाम देश की जनता तक, जनमानस तक हमारी भावना क्या है वो पहुंचाने में लोग कामयाब होंगे। यही बात करता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। साथियों, इससे पहले कि मैं कांग्रेस अध्यक्षा को यहाँ पर आमंत्रित करूँ, तीन चार छोटी छोटी हाउसकीपिंग अनाउंसमेंट्स यहाँ पे करना है। एक तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि 3 बजे और आप लोगों को जो कार्यक्रम भी बांटा गया है, 3 बजे यहाँ से हम लोगों के सब्जेक्ट स्पेसिफिक मीटिंग शुरू हो जाएंगी और आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोगों के जो जो सब्जेक्ट्स जिस जिस को अलॉट करे गए हैं वही सब्जेक्ट्स की आप लोगों को उसी मीटिंग हॉल के अंदर जाना है और साथ साथ में मोबाइल फोन को बाहर रखने के लिए व्यवस्था करी गई है। तो मीटिंग से पहले कृपया मोबाइल फोन्स अपने आप लोग सब लोग बाहर रखें। मोबाइल फोन्स आप सबके सब लोग बाहर रखें और रात का डिनर 8 बजे अरावली लॉन्स के अंदर होगा और आप लोग समय के ऊपर अपना कार्यक्रम खत्म करके अरावली लॉन्स में डिनर 8 बजे और एक बहुत अच्छा शानदार कल्चरल प्रोग्राम भी राजस्थान के तरफ से रखा गया है। और आखिरी बात यह है कि कोई भी डेलीगेट के अलावा यहाँ पर इस परिसर के अंदर कोई व्यक्ति ना रहे, स्टाफ भी या और जो दूसरे